क्वेश्चन नंबर सेवन से राइट के सी एंड के पी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस के सी और के पी एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स बायलार्ज एक जैसे होते हैं बस हम के पी में पार्शल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो के सी लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन के लिए जिसमें सल्फर डाईऑक्साइड जनरेट हो रहा है यहाँ पे आप स्टूडेंट्स इसको एस ओ थ्री प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे रिएक्ट्रन को नीचे लिखेंगे एस ओ टू इन ऑक्सीजन और रेस्टू पार वन बाई टू बिल्कुल इसी तरह KPs के लिए लिख लेंगे के पी इज इक्वल टू प्रेशर दैट इज जनरेटेड बाय सल्फर डाईऑक्साइड डिवाइडेड बाय पी एस ओ टू इंटू पी ओ टू और रेस्टू पार वन बाय टू बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर टू के लिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू के लिए हम लिखते हैं ऐसे के सी विल बी इक्वल टू एच ओ सी एल ल स्केयर हाँ पे वाटर गेशियस स्टेट में है गेशस स्टेट में है तो हम क्या करेंगे एस टू ओ को नीचे लिखेंगे एंड सी एल टू ओ इसको लिखेंगे एंड देन के पी को भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने नंबर वन के लिए लिखा दैन स्टूडेंट्स गेसियस फॉर्म में इसका भी के सी और के पी सेम होगा देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर फोर जो कि क्वेश्चन नंबर थ्री से मिलता जुलता है इसके लिए हम के सी लिख लेते हैं To, 2, by, ozone, के सी इज टू आपकी प्रोडक्ट ऊपर आएगी थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन Kp के पी इसके लिए लिखेंगे के पी फॉर क्वेश्चन फोर और क्वेश्चन फोर के पी इज इक्वस टू पी ओ टू रेस टू पार थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय पी ओ थ्री इसी तरह स्टूडेंट्स अब ये आयरन ऑक्साइड के लिए जो क्वेश्चन नंबर फाइव आएगा ये थोड़ा चेंज होगा क्यों क्योंकि हम प्योर सॉलिड्स को और लिक्विड्स को मेंशन नहीं करेंगे अपने एक्सप्रेशन के अंदर के सी वुड बी इक्वल टू जस्ट वाटर लिखेंगे हम ऊपर और हाइड्रोजन को लिखेंगे नीचे बिल्कुल इसी तरह हम के पी की वैल्यू भी इसी तरह लिखेंगे पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में पी एच टू ओ डिवाइडेड बाय पी एच टू देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए लिखेंगे एज इट इज़ आ जाएगा के सी और के पी की वैल्यू इसी तरह आ जाएगी देन क्वेश्चन नंबर सेवन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है और कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट जब हम हाइड्रोजीनस इक्विब्रा को डिस्कस कर रहे थे तो हमने एग्जैक्टली exactly यही इक्वेशन डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था कि के सी वुड भी ओनली भी इक्वल टू कार्बन डाईऑक्साइड इसी तरह के पी वुड भी इक्वल टू प्रेशर दैट इज जनरेटेड बाई कार्बन डाईऑक्साइड स्टूडेंट्स जो रिएक्शन नंबर एट है वो भी बिल्कुल हम इसी तरह डील कर रहे हैं